तो आरएसएस ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि 2019 में राम भक्तों को मंदिर मिलेगा या सिर्फ आंदोलन। राम मंदिर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक का बड़ा बयान, 30 साल तक आंदोलन किया, जरूरत हुई तो आगे भी करेंगे। मुंबई में आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडल की बैठक का आज आखिरी दिन था। आरएसएस के सर कार्यवाह भैया जोशी ने कहा, सुनवाई में देरी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था का अपमान हुआ है। आरएसएस ने कहा, दिवाली से पहले राम मंदिर पर फैसले की उम्मीद थी। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, सबकी इच्छा है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो। ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट हिंदू भावना के आधार पर फैसला नहीं सुना सकता, आरएसएस को भ्रम है कि देश में कोई संविधान नहीं है। संघ की बैठक में कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी पहुंचे और संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए कि करोड़ों हिंदू समाज के भावनाओं से श्रद्धा से जुड़े हुए विषय को जिस तरह से उन्होंने और जवाब दिया, मैं समझता हूं कि इसमें हिंदू समाज अपने आप को एक अपमानित अनुभव करता है। संघ चालक जी हो और भी संगठन हो जो राम मंदिर के प्रक्रिया में शामिल है, सभी को एक साथ मिलकर राम मंदिर निर्माण का कार्य आगे लेके जाना चाहिए। आखिर इंतजार कब तक, तो जल्द से जल्द इस पर सुनवाई हो, ऐसी इच्छा पूरे देश की है, ऐसी इच्छा संघ की भी है, कोर्ट में न्याय होगा ऐसा सबको यकीन भी है। रफाल डील को लेकर राहुल गांधी ने आज फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला किया। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि सौदे के करप्शन की पहली किस्त अनिल अंबानी को एडवांस में मिल चुकी है। रफाल सौदे पर राहुल गांधी का बड़ा हमला, मोदी को बचा रही है रफाल बनाने वाली कंपनी, अनिल अंबानी को दिए गए 284 करोड़ रुपए। राहुल का आरोप, भ्रष्टाचार की पहली किस्त से अनिल अंबानी ने जमीन खरीदी और उन्हें रफाल डील मिली। आज मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा, सौदे की जांच से भाग रही है सरकार, पीएम मोदी को अब पकड़े जाने का डर। राहुल का सवाल, महज 8 लाख की हैसियत रखने वाली अनिल अंबानी की कंपनी को दसों ने क्यों दिए 284 करोड़ रुपए। राहुल ने कहा, रफाल सौदे की जेपीसी जांच की मांग को लेकर उन्होंने जेटली को चिट्ठी लिखी थी जिसका कोई जवाब नहीं आया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि इस भ्रष्टाचार में मोदी अंबानी की पार्टनरशिप है, अगर ऐसा नहीं है तो सरकार जांच कराए। पटना में आज खाकी ही खाकी की दुश्मन हो गई, साथी की मौत से नाराज पुलिस कर्मियों ने अपने अफसरों पर ही गुस्सा उतारा। पटना में साथी की मौत से नाराज पुलिस कर्मियों ने डीएसपी के आवास का घेराव किया, कई पुलिस अफसरों से मारपीट की। पटना पुलिस लाइन में सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, आसपास के घरों और दुकानों को भी नहीं छोड़ा। पटना पुलिस की एक महिला सिपाही की आज अस्पताल में मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस कर्मियों का गुस्सा भड़क उठा। मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रधान सचिव से घटना की पूरी जानकारी ली, आईजी पटना करेंगे मामले की जांच। पुलिस कर्मियों का आरोप है कि महिला सिपाही की तबीयत खराब होने के कारण वो छुट्टी मांगती रही, लेकिन उसे छुट्टी नहीं दी गई। हालात संभालने के लिए पुलिस लाइन में बिहार मिलिट्री पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो पुलिस लाइन में प्रवेश की है और तमाम सारे फोर्स जो है, जिस तरीके से गेट जो है अंदर से बंद था और जो प्रदर्शन कर रहे थे लोग, वो यहाँ पे किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, लॉक कर दिए थे। हम लोग अंदर बाहर जो पब्लिक को है उसकी सिक्योरिटी भी देख रहे हैं, अंदर की सिचुएशन के लिए सीनियर ऑफिसर्स के गए हुए हैं जो कंट्रोल कर रहे हैं, हम भी लगातार टच में हैं। डेंगू एक तरफ अपना पैर बिहार में फिसाल रहा है और बिहार सरकार कुछ कर नहीं पा रही है उसके रोकथाम के लिए, और जब कोई अपने से इलाज के लिए भी छुट्टी मांग रहा तब छुट्टी नहीं दे रहे। आज देखिए पुलिस जनों का आक्रोश कि अपने डीएसपी की गाड़ी को तोड़फोड़ किया। असम के तिनसुकिया में 5 लोगों की हत्या से लोगों में जबरदस्त रोष है, आज हत्याकांड के विरोध में 12 घंटे का बंद रहा। असम में 5 लोगों की हत्या के विरोध में बंद, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए।
तिनसुकिया से 30 किलोमीटर दूर ढोला सादिया ब्रिज के पास 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुवार रात करीब 8 बजे घर से बाहर बुलाकर मारी गई गोली, मरने वालों में एक ही परिवार के 3 सदस्य थे। हमले का शक उग्रवादियों पर है, उल्फा ने इस हत्याकांड में शामिल होने से इनकार किया है। 5 हत्याओं के विरोध में 12 घंटे का असम बंद बुलाया गया है। प्रदर्शन को देखते हुए तिनसुकिया में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चश्मदीदों के मुताबिक ऑटोमेटिक हथियारों से लैस कुछ लोगों ने 5 से 6 लोगों को घर से बाहर बुलाया, अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। अंधाधुंध गोलीबारी में 2 लोग घायल भी हुए हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। पुलिस के मुताबिक हमलावरों ने AK-47 से फायरिंग की थी। गोली चलाया गया है 6 लोगों के ऊपर, जिसमें 5 की मृत्यु हो चुकी है। ये वो जगह है जहां पर उन लोगों को बाकायदा एक दुकान से बुलाया गया है, ये कह के कि उन लोगों को कुछ काम दिया जाएगा, कुछ बात है उनसे। यहां पे अंधाधुंध गोली जो चलाई गई है, उसका जो सबूत है वो ये दिखाई दे रहा है यहां पे। हत्याकांड के विरोध में बंगाली एसोसिएशन के बंद के दौरान कई जगह लोगों ने प्रदर्शन किया। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने घटना की निंदा करते हुए कहा है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसी कायराना हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हत्याओं पर दुख जताते हुए ट्विटर पर लिखा कि इस हत्याकांड की वजह NRC तो नहीं है। इसका पीछे हम लोग जबरदस्त इंक्वायरी करने पड़ेगा। हम रेस्ट करने के बाद पूरा बात खुलासा हो जाएगा जे एजे प्रोवोकेटिव करके, प्रोवोकेशन करके किसी लोगों को ला करके किसी संगठन क्या है आसाम को सिचुएशन को बाहर में खराब करने के लिए। क्या पीछे कांग्रेस है क्या नहीं है, ये भी पूरा तरह इंक्वायरी में देखने के लिए हम सीएम को बोला है। वी स्ट्रांगली कंडेम दीज ब्रूटल किलिंग्स। वी आल्सो आस्क एज शी डिड, इज दिस लिंक्ड टू द NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस डेवलपमेंट्स देयर? द परपेट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम हैव टू बी ब्रॉट टू बुक। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत फिर सामने आई। बीजेपी नेता की हत्या के बाद से किश्तवाड़ में कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बीजेपी नेता की हत्या के विरोध में कर्फ्यू, सेना SOG का सर्च ऑपरेशन। कल अनिल परिहार अपने भाई के साथ दुकान से लौट रहे थे, तभी दोनों को गोली मारी गई। हत्या से नाराज लोगों ने आज जम्मू में प्रदर्शन किया, एहतियात के तौर पर मोबाइल इंटरनेट सेवा रोकी गई। बीजेपी के प्रदेश सचिव थे अनिल परिहार, पहले युवा मोर्चा अध्यक्ष भी रहे, 2008 में पैंथर्स पार्टी से चुनाव लड़ा था। 17 नवंबर को किश्तवाड़ में पंचायत चुनाव है, अनिल परिहार चुनावी तैयारियों में जुटे थे, आतंकवाद के खिलाफ तिरंगा यात्रा में भी हिस्सा लिया था। हत्या के मामले में अनिल परिहार के 2 PSOs को हिरासत में लिया गया, दोनों परिहार की सुरक्षा में तैनात थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला समेत कई नेताओं ने अनिल परिहार की हत्या पर दुख जताया है। जो अमन का जुनून और जज्बा है, जो तरक्की का जुनून और जज्बा है, वो इस तरह की कायराना हरकतों से न कमजोर पड़ने वाला है न बंद होने वाला है। और जो ताकतें इस तरह की हरकतें कर रही हैं, उनको उसका मुंतजिर जवाब मिले। पॉलिटिकल किलिंग ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तो आइडियाज मर जाएंगे। वहाँ बीजेपी को हक है अपनी सियासत करने का, इसी तरह से कांग्रेस को, PDP को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। तो सियासी सोच के लिए किसी को मारना जो है ये बहुत ही बदतरीन गुना है। इसके लिए पुलिस को जल्द कातिलों को तलाश कर। दिल्ली में जब पुलिस ने एक महिला टीचर के मर्डर की गुत्थी सुलझाई तो मास्टरमाइंड का चेहरा देखकर हर कोई हैरान रह गया। दिल्ली पुलिस ने 3 दिन में सुलझाई महिला टीचर सुनीता के कत्ल की गुत्थी, 3 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक महिला टीचर के पति ने मॉडल गर्लफ्रेंड के दबाव में कराई थी पत्नी की हत्या। 29 अक्टूबर दिल्ली के बवाना में टीचर सुनीता को स्कूटी से स्कूल जाते वक्त 3 गोलियां मारी गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने टीचर के पति मंजीत, उसकी गर्लफ्रेंड एंजल गुप्ता और एंजल के मुंह बोले पिता राजीव को गिरफ्तार किया है। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर मंजीत और मॉडल एंजल शादी करना चाहते थे, लेकिन सुनीता तलाक के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसकी हत्या का प्लान बनाया गया। पुलिस के मुताबिक मंजीत ने अपनी गर्लफ्रेंड और उसके मुंह बोले पिता के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची थी। मैंने किसी से नहीं मरवाई,
अभी तो आप कह रहे थे कि पछतावा आपको, पछतावा है इस जो पछतावा किस चीज का करवाया ना, कर नहीं मैंने कोई जो भी हायर किए थे जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए थे उन्होंने, इसके पापा ने हायर किए मेरा, उसमें कोई भी कुछ।